फ्री फायर को कैसे छुपाए, फ्री फायर को हाइड कैसे करे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाइड एप्स है और यहाँ पर आपके सामने मेरे हाइड एप्स आपको देखने को मिले थे और जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को देखने को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं फोन डायलर के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पर मैं कोड का यूज करूंगा और जैसे यहाँ पर मैं कोड डालूंगा जितने भी मैंने ऐप्स को हाइड किया है वो आपके सामने आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग किसी भी ऐप्स को छुपा सकते हैं फ्री फायर के साथ साथ। अब देखो यार गाइस यहाँ पर जितने भी गेम वगैरह है मैंने सब छुपा रखे। ये फोन मेरी मम्मी जी का है या आपके पापा जी का फोन हो, किसी का फोन हो, आप लोग किसी भी गेम को छुपाना चाहते हैं वो भी अपने फोन डायलर में। भाई ये फोन जिससे फोन मिलाते हैं फोन डायलर में अगर आप लोग मिलाएंगे तो आप लोगों को ये एप्स छुपा देंगे। सो गाइस कैसे आप लोग अपने फोन डायलर के अंदर, मैं आप लोग एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। यहाँ पर मैंने कोड बना रखा है जैसे कि आप कुछ भी कोड बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने डाला है #1949#, जिसे यहाँ पर मैं डालूंगा अपने फोन डायलर के अंदर तो भाई जितने भी मैंने एप्स को हाइड किया है अपने स्मार्टफोन के अंदर वो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस कैसे आप लोग अपने किसी भी एप्स को हाइड करेंगे इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस आज की वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आप लोग को अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप लोग को सेटिंग के सर्च बार में आप लोग को सर्च करना है हाइड एप्स। तो भाई यहाँ पर आप लोगों के सामने हाइड एप्स देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को हाइड एप्स वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को एक हाइड एप्स का बटन देखने को शो हो जाएगा। अभी रुको, अभी आप लोगों को क्या करने का, अभी हाइड करो जाओ वगैरह वगैरह, अभी पहले पूरी जानकारी लीजिए। आधी जानकारी सही नहीं होती है, पूरी जानकारी ले लीजिए, सिर्फ वीडियो एक मिनट की और रह चुकी है। सो गाइस यहाँ पर आपको कोड डालना है अपने फोन का, जैसे यहाँ पर आप लोग अपने फोन के पासवर्ड को डालेंगे जो फोन का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जितने भी एप्स को मैंने हाइड किया था, यहाँ पर मैंने कैप्चा टेक्स्ट को किया था एंड यहाँ पर मैंने फ्री फायर को हाइड किया था और यहाँ पर मैंने अपने GTA को हाइड किया था। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने पबजी मोबाइल, पबजी लाइट को हाइड किया था, टिकटॉक हाइड किया था, वीडियोस वगैरह। अब यहाँ पर आप लोग देखना भाई ये मेरे जो हाइड एप्स है वो निकल के आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे। अगर गाइस यहाँ पर मैं अपने फोन डायलर के अंदर जाऊँगा और कोड को यूज करूँगा तो यहाँ पर मेरा कोई भी एप्स नहीं है, मैंने सबको अनहाइड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लाइव प्रूफ पे हाइड करके दिखाऊंगा। आप लोग को फोन की सेटिंग को ओपन करना है एंड यहाँ पर हाइड एप्स सर्च करना है। हाइड एप्स आप लोग को राइट साइड में देखने को मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है, फोन का यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप लोग को जैसे कि मैं फ्री फायर को हाइड करना चाहता हूँ, मैं फ्री फायर के ऊपर टिक करूंगा, बट यहाँ पर आप लोगों को टिक करते ही आपका काम नहीं होगा। अभी यहाँ पर आप लोग जैसे कि हाइड कर दिया मैंने, अभी यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को चेंज द कोड वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को जो अपना पासवर्ड बनाना चाहो वो आप लोगों को पासवर्ड बनाना है। याद रखना यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कुछ लेटर में लिखा है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा #00#। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ## का यूज करना है और बाद में भी आपको ## का यूज करना है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा #1234 #। यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे एंड राइट करेंगे और यहाँ पर मैं डन करूंगा। डन करने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं अपने फोन डायलर के अंदर आऊंगा एंड फोन डायलर के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करूंगा #1234 #। यहाँ पर जैसे ही मैं डालूंगा आपके सामने आपका फ्री फायर मैंने हाइड किया है वो आ जाएगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे आप लोग भी किसी भी एप्स को हाइड कर पाएंगे अपने फोन डायलर के अंदर। सो गाइस अगर ये प्लीज वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ।